नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। शुक्रवार को सीएम ने लुकरगंज में माफिया अतिक अहमद के कब्जे से छुड़वाई जमीन पर बने 76 फ्लैट की चाबियां गरीबों को सौंपी। इस दौरान सीएम ने 20 लाभार्थियों से संवाद किया, कहा हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है। पहले की सरकारें माफिया के साथ खड़ी होती थी। पहले जमीनों पर सरकार से संरक्षित माफिया कब्जा करते थे, अब हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता। सीएम योगी ने 768 करोड़ के 226 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। इससे पहले सीएम ने पीडीए अफसरों के साथ फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण किया। इसके बाद बच्चों से मुलाकात की, उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी दिया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी मौजूद रहे। लीडर प्रेस मैदान में सीएम ने कहा 2017 से पहले कोई भी जमीन पर कब्जा कर लेता था, अब उन्हीं जमीनों पर गरीबों के आवास बनवा रहे हैं। अब व्यापारियों और गरीबों को कोई परेशान नहीं करता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 54 लाख लोगों को घर मिले हैं। पहले प्रदेश की सरकार किसी गरीब को आवास नहीं देना चाहती थी, जल्द 10 लाख लोगों को नए घर मिलने वाले हैं। सीएम ने कहा 768 करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त करवाकर गरीबों को आवास दिए जा रहे हैं। कहने के लिए ये 76 आवास है, लेकिन इसके पीछे एक भाव है कि ये माफियाओं से मुक्त करवाकर दिए जा रहे हैं। प्रयागराज एक पौराणिक नगरी है, शिक्षा और न्याय की धरती रही है। आज प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से कहना चाहूँगा कि वो भी अपने जनपद में ऐसे ही माफियाओं की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनवाने का कार्य करें। उन्होंने कहा यहाँ एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया चाहिए। प्रयागराज प्राधिकरण DRR तैयार करें। फरवरी में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट किया, हमको 36,000 करोड़ रुपये के निवेश प्राप्त हुए। अगर प्रदेश में माफिया होते तो ये मिलना मुश्किल था। 2025 का प्रयागराज कुंभ भव्य और दिव्य होगा।